पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। ये कन्वेंशन एक तारीख साज सियासी लम्हे के तौर पर सामने आया जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फासिज्म के इस दौर में भी खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम जिस तरह से पिछले चंद दिनों में बाहर निकले हैं वो इंतहाई काबिले तारीफ है। कामयाब तकरीब के बाद पार्टी को बरसर इक्तदार हुकूमत की तरफ से न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया गया बल्कि गैर आइनी निगरान सेटअप ने पुलिस को तहरीक इंसाफ के अहम अरकान के घरों पर छापे का हुक्म भी दे दिया। देर बाला में मजदूरों पर पुलिस की फायरिंग से एक कारकुन जख्मी हो गया। तकरीब के दौरान पीटीआई का झंडा थामने पर बुजुर्ग शहरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई के इंसाफ यूथ विंग के जिले सदर मियां सज्जाद को लोअर दीर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका जुर्म महज ये था कि उन्होंने दीर के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत की। गुजरात में एक इंतखाबी सर्वे के बाद पीटीआई को मकबूल तरीन पार्टी साबित करने पर पुलिस ने सीनियर रहनुमा सैयद फैजुल हसन शाह को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल उनके भाई को कई हफ्तों पहले अगवा कर लिया गया था और उनका बेटा तवील अरसे तक गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार रहा। सियासी जुल्म सितम के बावजूद शाह ने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया था। तमाम जमहूरी असूलों को एक से नजरअंदाज करते हुए रियासती इदारे गैर जानिबदाराना मुनसिफाना शफाफ इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने के लिए अवाम के इंतखाब को दबा रहे हैं। सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबी मुहिम से रोकने की तमाम तर साजिशों के बावजूद वर्कर्स कन्वेंशन के नतायज फरहत बख्श साबित हो रहे हैं और इस कन्वेंशन ने पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के हामियों में इंतखाबात के जज्बे को जिंदा कर दिया है। जिंदाबाद।